हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वस्तानिया की परीक्षा 2024 में 6 मार्च 2024 से शुरू हुआ था, जो कि 10 मार्च 2024 तक एग्ज़ाम चला था। 5 दिन एग्ज़ाम हुए थे, डेली आप लोगों को दो दो सब्जेक्ट एग्ज़ाम हुए थे, 10 पेपर आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अब बच्चे परेशान हैं कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। जबकि हम पहले ही वीडियो बनाकर आप लोगों को बता चुके हैं, जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 11 तारीख को ही आप लोगों को हम बताए थे कि जो आप लोगों का रिज़ल्ट है कब जारी किया जाएगा। मगर अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कमेंट भी कर रहे हैं और टेलीग्राम पर मैसेज भी कर रहे हैं कि आखिर रिज़ल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर हम प्रूफ के साथ यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी बातें हम बताते हैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताते हैं, रियल और फैक्ट बताते हैं कि आखिर जो भी जानकारी हो आप लोगों को सही मिल सके। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों को हम पहले बताए थे कि जो रिज़ल्ट है आप लोगों का मई के महीने में आएगा, तभी अभी रील ख़त्म ही नहीं हुआ है फिर भी बच्चे परेशान हैं। तो हम बोले थे कि मई के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस जो है बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा 24 अप्रैल 2024 को जारी किया गया। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया 24 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया। और इसी में देखें ये तो एक लाइन वस्तानिया की परीक्षा को लेकर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, वस्तानिया का मार्क्स फॉलो दफ्तर मदरसा बोर्ड 7 मई से 9 मई तक दस्तयाब करना यकीनी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका कॉपी चेक करने के बाद जो मार्क्स बना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बना है, तो उसका मार्क्स फॉलो यानी मार्कशीट, ठीक है, उसको बनाकर मदरसा वाले ले जाएंगे कहाँ पे, बोर्ड में, जो कि बोर्ड दो ऑफिस है, एक पूर्णिया में ऑफिस है और एक पटना में। तो वहाँ पे जो भी आपके मदरसा के नज़दीक पड़ता है उस बोर्ड में ले जाकर जमा करना पड़ता है। तभी आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कशीट अभी मदरसा में जमा ही नहीं किया गया है। आपके मदरसा से जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ से आपका कॉपी जाँच करके कितने आपके मार्क्स आए हैं वो अभी मदरसा में मदरसा बोर्ड के ऑफिस में पहुंचाया ही नहीं गया है। तो यहाँ पे डेट दिया गया है 7 से 9 तारीख तक। तो आपके जो भी मार्क्स हैं वो 7 से 9 तारीख तक, यानी कि लास्ट आपका 9 तारीख तक जमा हो जाएगा कहाँ पे, तो हेड ऑफिस जो है मदरसा ऑफिस पटना में। तो वहाँ पे जब जमा हो जाएगा उसके बाद आप लोग का रिजल्ट तैयार होगा, मार्कशीट तैयार किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो जैसे बोर्ड के द्वारा नया मार्कशीट जब तैयार होगा उसमें भी 10 से 15 दिन कम से कम लग जाएंगे, मिनिमम आप मान लीजिए 15 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 मई तक आप लोग का मार्क्स फॉलो पहुँचेगा, उसके बाद 15 दिन लगेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो बोला गया था मई के पहले सप्ताह में रिज़ल्ट आ जाएगा, मगर यहाँ पे अभी मार्क्स फॉलो पहुँचा ही नहीं है, तो इसके वजह से अभी देरी हो सकता है। और मई के लास्ट महीने तक यानी कि 25 तारीख के बाद, 25 से 30 तारीख के बीच में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, या आप लोगों को पहले भी देखने को मिल सकता है, 20 तारीख को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में ही आप लोगों को, यानी कि लास्ट मई में आप लोगों को मिलेगा रिजल्ट देखने को, ठीक है। तो लास्ट मई तक आप लोगों को रिजल्ट आने की संभावना है, ये मेरे अनुसार जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से ये चल रहा है प्रोसेस उसके अनुसार आप लोग बता सकते हैं। हो सके इससे पहले भी रिजल्ट आ सकता है या इससे और भी लेट हो सकता है, जून में भी चल सकता है, जून के फर्स्ट वीक में, मगर कोशिश रहेगा कि मई में रिजल्ट आप लोगों को आ जाएगा। ज़्यादा संभावना यही है कि मई के महीने में लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो अभी आप लोगों को 1 महीने की इंतज़ार और करना है रिजल्ट के लिए, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब जो भी बातें थी यहां पे हम प्रूफ के साथ आप लोगों को बता दिए, आप लोग क्या रहे हैं वो भी आप कमेंट में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।